15 टू 20 वाट्स के स्पीकर या फिर सबवूफर आप इस बोर्ड की दो चैनल में दो कनेक्ट करके चला सकते हैं। ऑफलाइन लोकल मार्केट में ये बोर्ड आपको लगभग 100 रुपए के अंदर मिल जाएगा। इस बोर्ड में ही साउंड थोड़ा सा ज्यादा ही सुनाई देता है। इस बोर्ड का साइज भी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो बहुत ही छोटे जगह पर यह बोर्ड आ जाएगा। प्राइस के हिसाब से देखे तो इस बोर्ड की साउंड क्वालिटी। इस वीडियो पर मैं रिव्यू करने वाला हूँ PAM8610 क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड का, जिसको मैंने Amazon.in से परचेस किया है और Amazon पर करंटली इसका प्राइस चल रहा है 145 रुपीज। इसके साथ मेरे को 50 रुपए एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस भी पे करना पड़ा, तो लगभग मेरे को 195 रुपीज में बोर्ड मिल गया। लोकल मार्केट में आपको ये बोर्ड और भी सस्ते में मिल जाएगा, लगभग 100 रुपए के अंदर आपको ये बोर्ड मिल जाएगा। बोर्ड का साइज बहुत ही छोटा है, मेरे पास एक 5 वाट का रेजिस्टेंस है तो इसके साथ मैं इस बोर्ड को कंपेयर कर रहा हूँ, तो आप इसके साइज यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं। एक 5 वाट के रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ही बड़ा है यह बोर्ड। अभी इस आईसी का एक बार डाटा शीट चेक कर लेते हैं। इस बोर्ड को पावर अप करने के लिए आपको 7 से 15 वोल्ट डीसी इनपुट करना पड़ेगा। पर चैनल 10 वाट के आउटपुट दे सकते हैं 8 ओम की लोड पर 13 वोल्ट में, यानी 4 ओम की लोड पर 15 टू 18 वाट के आउटपुट पर चैनल आपको आराम से मिल जाएगा। अभी इस बोर्ड का क्लोज लुक भी एक बार देख लेते हैं कि 195 रुपीज के हिसाब से इस बोर्ड में हमें क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफर किया गया है। यहाँ पर इस बोर्ड का ऑडियो इनपुट करना है, स्टीरियो इनपुट है यानी लेफ्ट राइट और ग्राउंड। यहाँ पर से इसका लेफ्ट वाला स्पीकर आउटपुट हो जाएगा, यहाँ पर से इसका राइट वाला स्पीकर आउटपुट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको डीसी 12 वोल्ट देना है, 12 वोल्ट और ग्राउंड भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर एक SK34 स्कॉट की डायोड का यूज किया है। अगर आप इस बोर्ड में प्लस माइनस गलत लगा देते हैं तो ये बोर्ड जलेगा नहीं। यहाँ पर इस बोर्ड का पावर इंडिकेशन LED है और यहाँ पर आपको एक IC मिल जाता है। बाकी कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर वगैरह दिख रहा होगा, कोई भी इंडक्टर कॉइल वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है आपको। इस बोर्ड के पीछे की साइड से देखो तो पीछे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है, सब सामने ही लिखा हुआ है और पीछे बस ऐसा ही है। इस बोर्ड में कोई भी कनेक्टर्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर हमें वायर डायरेक्ट सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पर वायर्स को इस बोर्ड में कनेक्ट कर लूंगा। इस बोर्ड की साउंड टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इन दो 5 वाट के स्पीकर को यूज करने वाला हूँ। पर आप चाहे तो इस बोर्ड में दो 15 टू 20 वाट्स के स्पीकर दो चैनल में कनेक्ट कर सकते हैं। इस एम्पलीफायर बोर्ड और इस ब्लूटूथ प्री एम्पलीफायर को पावर अप करने के लिए मैं यहाँ पर इस 12 वोल्ट बैटरी को यूज करने वाला हूँ। अभी मैं आपको इस बोर्ड का एक छोटा सा साउंड क्वालिटी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आऊंगा इसके फाइनल कंक्लूजन पर कि इस बोर्ड को हमें लेना चाहिए या फिर नहीं। पहले इस बोर्ड की डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इस बोर्ड में हाई और लो फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक है, पर मिड फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम है, यानी सारे फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं है। और दूसरा डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इस बोर्ड में हिस साउंड थोड़ा सा ज़्यादा ही सुनाई देता है, यानी क्लास डी एम्पलीफायर जब आइडियल पोजीशन पे रहता है तो उस टाइम पे जो नॉइज़ आता है उसको हम हिस साउंड कहते हैं, तो इस बोर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा लगा मेरे को। बस यही दो डिसएडवांटेजेस मेरे को इस बोर्ड में लगा। अभी एडवांटेजेस की बात करें तो इस बोर्ड में आप सबवूफर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लो फ्रिक्वेंसी अच्छा है। 15 टू 20 वाट्स के स्पीकर या फिर सबवूफर आप इस बोर्ड की दो चैनल में दो कनेक्ट करके चला सकते हैं। और ये बोर्ड हमें लगभग 195 रुपीज़ में ऑनलाइन देखने को मिल जाता है, लोकल मार्केट में शायद 100 रुपीज़ के अंदर भी मिल सकता है। प्राइस के हिसाब से देखे तो इस बोर्ड की साउंड क्वालिटी अच्छा ही बोलूंगा मैं। इस बोर्ड का साइज भी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो बहुत ही छोटे जगह पर ये बोर्ड आ जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बोर्ड को ऑफलाइन परचेस करें। ऑफलाइन लोकल मार्केट में ये बोर्ड आपको लगभग 100 रुपए के अंदर मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको ये बोर्ड ऑफलाइन नहीं मिल पा रहा है तो इस बोर्ड का ऑनलाइन परचेसिंग लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें कौन सी एम्पलीफायर बोर्ड को रिव्यू करना चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इतना छोटा एम्पलीफायर पहले नहीं देखा होगा, जो कि पर चैनल 50+50 वाट के आउटपुट निकल सकता है। और अगर आपको एक प्रीमियम क्वालिटी के क्लास डी एम्पलीफायर चाहिए जिसमें सारे फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाई दे, बिल्कुल स्टूडियो मॉनिटर जैसा सेटअप हो जाए, तो आप इस राइट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।